हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी अभी मैंने ये वाला ब्लॉग जो है वो स्टार्ट किया है, क्योंकि इसके पहले मैंने अभी ख़त्म किया था, नाश्ता बनाया था, जो मीठे वाले ब्रेड है ना वो बनाए थे। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो एक और बना लेते हैं वीडियो, तो फिर मैंने अभी आफ्टर से दोपहर के खाने से स्टार्ट किया है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं जो है खाना बना रही हूँ और रोटियाँ सेकते जा रही हूँ, इन लोगों को देते जा रही हूँ, कार्तिक और इनके पापा को। तो कार्तिक अभी थोड़ा 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 कर रहा है, मतलब मोबाइल में उसको बोल रही हूँ रख दो फ़ोन, रख दो, पहले खाना खा लो फिर फ़ोन देख लेना भले ही बाद में। लेकिन वो बस मम्मी थोड़ा सा पापा भी बोल रहा है, और अब पापा भी देखे हैं, घुस गए देखने के लिए। तो मतलब ऐसे करते हैं बच्चों के साथ, बच्चे बन जाते हैं। लेकिन क्या करें, बहुत बोलती हूँ मैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि मान भी जाता है। पर उसका एंडिंग चल रहा होगा कोई गेम, तो बोल रहा है पूरा एंड कर दूँ, तो बस एक मिनट कर रहा है। तो ऐसे करता है, मैं बहुत बोलती हूँ। आप लोग कहते हो ना कि दी आप अपने बच्चे को मना नहीं करते हो, तो अब क्या करूँ। तो फ़िलहाल तो मैं बोल रही हूँ, और खाना मैंने इन लोगों के लिए दे दिया है आज। मतलब ये है कि मैंने बनाया कुछ ऐसा है कि रेसिपी शेयर नहीं करी है। देखिए, सब लोगों को मतलब मैं एक सा ही समझती हूँ, ऐसा नहीं है, सबके हिसाब से सोच समझ के ही मैं वीडियो बनाती हूँ। तो इसीलिए मैंने ये शेयर नहीं किया। और कार्तिक काफ़ी दिनों से भी बोल रहा था कि मम्मी मतलब उसको नॉनवेज खाना था, तो वही बना है आज। तो मैंने बस इन लोगों को दे दिया है। अभी देखिए, कार्तिक ने रख दिया है फ़ोन, अब वो खाना खा लेगा पहले, तो मान लेता है बात। और कार्तिक पैर फैलाकर देखिए बैठा है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी एक दो दिन पहले आप लोगों को रोज़ बताया भी है, कार्तिक के पैर में ज़्यादा ही लग गई है, बहुत ज़्यादा वो गिर गया है पता नहीं कैसे, तो उसके पैर में बहुत लग गई है और मोड़ते भी नहीं बन रहा है, वो घाव ना भर ही नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा छिल गया है। वो खेलता रहता है ना, ऊट पटांग दौड़ा भागी करते रहते हैं बच्चे, और अब जिस दिन से लगा उस दिन से नहीं जा रहा है, बिल्कुल बैठा रहता है घर पर। तो ऐसे करता है। तो बस अभी ये फटाफट से खाना खा लेंगे। इनका तो ऐसा है कि भाई गरम गरम मिलता जा रहा है, खाते जा रहे हैं, मैं ठंडा खाना खाऊंगी। कभी ऐसे नसीब अपने नहीं है कि मतलब मिल जाए, मेरे तो नहीं है, बाकी आप लोगों के तो खैर शायद हो सकते हैं, पर मेरे नहीं है। मेरे हस्बैंड से रोटी बनाना नहीं आती, क्योंकि वो बनाते ही नहीं है अभी तक, मतलब बनाई नहीं है कभी, इतने साल हो गए हैं। तो मैं तो बस वही है जो बना के रख लिया तो खा लिए। तो चलिए, यहाँ बन गया है खाना, और इनको लग रहा था थोड़ा सा नमक कम, तो नमक दे दे रही हूँ। अभी इतना ज़्यादा काम है ना, मुझे इतनी टेंशन हो रही है सोच सोच के कि मेरे पास है ना समय कम बचा है, एक ही दो दिन, और इतना ज़्यादा मतलब काम है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। तो वही मैं सोच रही कैसे कहाँ से करूँ, क्योंकि मेरे काम की तो छुट्टी मिलना नहीं है, तो मुझे अपने इसी में से छुट्टी समय निकाल निकाल कर मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि साफ़ सफाई जब तक ना करो ना तो घर भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि त्यौहार भी आ रहे हैं ना, तो जब तक इन काम ना करो तो समझ में ही नहीं आता क्या करूं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अभी बज गए हैं दोपहर के 12:30, और बस अभी अभी खाना पीना खाया मैंने, अभी खाई है, जब तो खा खा के बैठ गए थे गरम 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 खाने में मज़ा आता है ना, तो हमें थोड़ी मिला था हमें तो बना के फिर खाना पड़ा ना, खाने को तो मिल गया ना खाने को मिलेगी, कैसे बोल रहे तू, खाने को मिल जाए तो बस अभी दोपहर का 12:30 बज गए हैं, मतलब इतने लेट हो जाते हैं इसीलिए फिर रात को लेट हो जाते हैं, आज हो ही गए हैं, नहीं तो नहीं हो पाते। आज कार्तिक की स्कूल भी नहीं थी, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं कार्तिक के, कल से फर्स्ट एग्ज़ाम था, पहला हो गया, आज गैप मिल गया, छुट्टी मिल गई। यहाँ रखा है काम बहुत सारा, तो चलो इस काम में करने को लगते हैं।
और मैंने रेसिपी इसीलिए शेयर नहीं की दोपहर की, क्योंकि देखिए आज बनाया था, देखिए मेरे लिए सारे मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे हैं सब लोग, लेकिन ना मैंने इसीलिए शेयर नहीं किया क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं खाना पसंद करते। मैंने नॉन वेज बनाया था और कुछ लोग पसंद करते हैं, कोई नहीं करते हैं, लेकिन मैंने सबको ध्यान में रखकर मैंने कहा चलो रहने देते हैं आज का, क्योंकि वैसे ही अभी त्यौहार भी आने वाले हैं, क्या पता ये वीडियो वैसे मतलब नवरात्रि के पहले मिल ही जाएगा आप लोगों को, उसके बाद नहीं डालूँगी, तो इसीलिए मैंने शेयर नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे बहुत से बोलते भी हैं लेकिन कोई बात नहीं, अब जैसा जिसका चलता है वैसा, हर किसी को हर चीज़ नहीं पसंद आता ना, इस वजह से मैंने नहीं बताई, तो वही बनाया था और इसके कारण दो दिन से बोल रहा था ना, दो दिन मतलब हफ्ते भर हो गए थे, काफ़ी दिन बाद ही हमने बनाया था, तो कार्तिक को खाना था आज, तो फिर मैंने कहा बना देते हैं, फिर 10-15 दिन फिर नहीं बनेगा क्योंकि अब नवरात्रि भी लगने वाले हैं ना, और अभी तो मेरी क्लीनिंग भी नहीं हुई है, फटाफट से मुझे अभी 1-2 दिन और काम करके, और बस कल से परसों से कल या परसों से मैं करूँगी क्लीनिंग चालू। वैसे क्लीनिंग मेरी तो हो ही गई थी, लेकिन किचन की क्लीनिंग जो है ना थोड़ी सी, वो बस मुझे करना बाकी है, तो वो करूँगी अभी, मैं अभी करते हैं काम। चलो चलें, नहीं यहीं लगा लें, आज हम लोग ना ये पलंग ऊपर रखने वाले हैं फिर से, क्योंकि ये है ना कल बोल रहे थे इनको ज़्यादा गुस्सा आ जाती है ज़रा ज़रा में, तो बैठने को जगह नहीं मिलती है, तो बोल रहे थे जब पलंग हटा दो है ना, है तो ये पलंग हम लोग छत में रख देंगे, और वैसे भी ठंड आ रही है ना, ठंड आने वाली है, तो वहाँ पे अच्छा भी रहेगा, कम से कम लेटने सोने कुछ भी धूप में अच्छा लगेगा। सोफा बस यहाँ पे जमा देंगे, तो यहाँ का थोड़ा सा चेंज कर देंगे, देखते हैं कैसा क्या हो पाता है, फिलहाल काम करते हैं क्योंकि देर हो रही है, फिर उसके बाद देखते हैं, अब आप लोगों से शाम को मिलूँगी मैं। अभी 1-1.5 घंटा हो गया था, उसके बाद मैं बना रही हूँ चाय, तो मैंने कहा पहले चाय पी लेते हैं, खाना पीना तो काफ़ी टाइम हो गया है, तो चाय पीने के बाद फिर काम में लगते हैं अपना और जो भी बचा है। और अभी मतलब मैं वीडियो का करने ही वाली थी एंड, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब मुझे मैंने ध्यान नहीं दे पाई, और जब उसमें मैंने देखा कमेंट, कभी कभी मेरे हस्बैंड भी बता देते हैं, क्योंकि मैं तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है ना, आप लोग देखते हैं कितना ज़्यादा बिजी रहती हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा, आजकल तो मैं पढ़ मतलब है ना पढ़ भी नहीं पाती हूँ, ये पढ़ पढ़ के बता देते हैं, तो वही मैं सोच रही थी बाप रे इतनी बार आपने मुझसे रिक्वेस्ट करी और मैं इतना भूल कैसे गई मैं सच में, तो पता यही आदत है मेरी मालूम, आप लोग सोचते हो ना कि मैं मतलब बोलते हो कि मैं ध्यान मतलब आप लोगों को पागल समझती हैं, ऐसा नहीं है डियर, ऐसा मत बोलें अपने आप को, तो मैं क्यों समझूंगी, बस ये है कि काम इतना रहता है ना कि मैं ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ, मैं अपने आप में नहीं दे पाती हूँ, तो फिर आप तो मेरे सच में बहुत, मैं खुद शर्मिंदा हो जाती हूँ कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ सच में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। तो अभी मैं छत में आई हूँ, छत में आते ही से ना इतनी हाफी आती, तो मतलब मिर्च और टमाटर का पौधा जो है वो आप लोगों को देखना है, बैंगन का मैंने कैसे लगाया कैसे नहीं, तो उसका तो मैं बता रही हूँ, मैं बीज वीज कुछ नहीं लगाती हूँ, जो सब्जी भाजी का जो भी पानी निकलता है सुबह मॉर्निंग का वो मैं पानी ऐसे डाल देती हूँ तो वो उग जाते हैं, और टमाटर के भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन जब हो जाएंगे ना थोड़े से बड़े तब मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, अभी मैं दिखा देती हूँ मिर्च और बैंगन का पौधा। आप इतना ज़्यादा मुझे शर्मिंदा कर देते हो, सच में मुझे पढ़ के ही लग रहा था आपने कितनी बार पूछा कितनी बार, बाप रे। चलिए बताती हूँ, जल्दी देर ना करती हूँ क्योंकि वीडियो का भी मुझे एंड करना है, काफ़ी बड़ा हो रहा है। सबसे पहले बैंगन का पौधा, तो ये वाला जो है इसके बैंगन मैंने तोड़ लिए, एक भी नहीं है इसमें, इसमें दो थे, दो तीन, तो ये इसमें खा लिए हैं तोड़ के, दो हुए थे, और इसमें भी अभी नहीं हो रहे, फूल आ रहे हैं, पर फूल आ रहे हैं, ये देखिए छोटे छोटे फूल आ रहे हैं, ये आ रहे हैं बहुत सारे फूल आ रहे हैं, हाँ ये वाला इसमें लदे हैं बहुत सारे लदे, इसमें देखिए कितने सारे लगे, 1-2-3-4-5,
पांच बैगन लगे हैं इसमें टोटल, पूरे पांच बैगन हैं, बहुत छोटे छोटे हैं और हो रहे हैं। तो ये हो गया बैगन का पौधा और ये जो डब्बे में लगा है मेरा। अगर इसकी आप लोग इंच की वो पूछ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका होगा लगभग वही तो 15-16 होगा शायद, अंदाजे से मैं बोल रही हूँ 15-16 और ऊपर ही हो सकता है शायद इसकी लंबाई इतना है। और ये अजवाइन का पूछ रहे थे, तो ये मैंने बीज से नहीं लगाया, किसी ने कटिंग दी थी तो ये वही उसी से हो गया है, थोड़ी सी इतनी सी कटिंग मैंने तोड़ के लगा दी थी, तो ये सब जगह हो गई है, मतलब कटिंग से ही हो गया था, बाकी उन्होंने किस से लगाया मुझे नहीं पता, पर मैंने ऐसे कटिंग से लगा ली, काफ़ी सारा हो गया, ये सब जगह हो जाता है। अब मिर्च का दिखाती हूँ, तो ये है मिर्च का पौधा, इसमें फूल आ रहे हैं पर पता नहीं क्यों बढ़ नहीं रहा है, मैंने क्या किया दूसरे डब्बे में करके, हाँ आ रहे हैं फूल तो आ रहे हैं, ये देखिए। तो ये भी मैंने बहुत छोटे से डब्बे में लगाया है, इसकी भी लंबाई ज़्यादा ज़्यादा 15-16 होगी, इतने बड़े डब्बे में लगाया है। तो ये बस ये मैं ये भी बीज से नहीं लगाया, ऐसे ही पानी डाल दिया था तो हो गया, हो जाते हैं ना पौधे। और ये पता नहीं कौन सा ये मुरझा रही है, मतलब पत्तियाँ जो है ना मुड़ रही हैं, तो ये मुझे नहीं लग रहा कि अच्छे से ज़्यादा ग्रो हो पाएगा। तो ये है, चलिए एक नज़र दिखाई देती हूँ, ये देखिए मैंने बिना बीज डाले टमाटर के पौधे हो गए हैं, ये सारे टमाटर के हैं। ये मैंने पानी ही डालती हूँ, ये जो बर्तन बर्तन वगैरह धोने का, ये देखिए काफ़ी सारे हो गए, इसमें भी बहुत सारे हैं, ऐसे हो जाते हैं, ये पानी डाल दो सारे में गमले में हो गए हैं, टमाटर ही टमाटर के पौधे हैं, मतलब सब्जी भाजी धो धा के काटते हैं ना, तो पानी जो डाल दो तो आ जाते हैं बीज। तो आई होप कि आप लोगों को आपको आपने देख लिए होंगे कि मैंने कैसे लगाए कैसे नहीं, मेरा कोई चीज़ मैं बीज से ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, मुझे मिल जाता है ऐसे लगे मतलब कहीं भी तो वो लगा देती हूँ उठा के उसी को बड़े में, और इसी तरह से वो हो जाते हैं तो मैं मतलब और यही है, पानी खाद वाद में कुछ देती नहीं हूँ, बस मतलब ऐसा खरीदती वरीदती नहीं हूँ कि मैं खरीदूँ उसको, तो जो भी मेरे पास घर पे मतलब पूरा कचरा निकलता है वही डालते जाती हूँ, तो इसी वजह से ना ग्रो हो जाते हैं। तो चलिए अब आप नाराज़ नहीं होना, आपको जवाब मिल गए होंगे सबके, मैं पढ़ती जाती हूँ थोड़ी थोड़ी करके याद आ जाते हैं ना, तो मैं सबके रिप्लाई करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भूल जाऊँ, करते जाऊँगी। तो चलिए आज का जो वीडियो है यहीं पर एंड करती हूँ, और मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।